अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। आज की रेसिपी है साउथ इंडियन स्टाइल। हमारा है हैदराबादी, हम साउथ इंडियन ही है ना। तो देखिए, ये है वड़ा और ये है गन पाउडर और ये है इसकी चटनी। तो आज का ज़ोरदार नाश्ता है। उम्मीद रखती हूँ आप सबको ये बहुत पसंद आएगा आज की रेसिपी। और पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़रूर, और आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि शेप नहीं आ रहा। और आप आटा वेस्ट नहीं मत कीजिए, आप बॉल शेप ले सकते हैं, आप कौन सा भी आपको जो शेप पसंद आ रहा वो शेप भी इसे आप दे सकते हैं। यही नहीं है कि ये होल आना ज़रूरी है, ये शेप बनाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप लोग ट्राई करते करते आप लोग को आ जाएगा एक से चार बार में, इंशाल्लाह उम्मीद रखती हूँ। तो देर किस बात की है, चलिए और हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम आज शुरू करते हैं। ये वड़े के लिए है आधा किलो माश की दाल, जो रात भर मैंने भिगो के रख लिया था, क्योंकि मुझे सुबह स्कूल बच्चों के लिए नाश्ता जल्दी जल्दी तैयार करना है। ये आधा किलो दाल है जो अच्छी फुली फुली हो गई है, अभी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये है इसके साथ में 150 ग्राम चावल, बारीक चावल है जो आप बराबर इसके साथ में पीस लीजिए दाल के। इसके अंदर क्रिस्पी होता है, बड़ा क्रिस्पी होता है। 50 ग्राम, आधा किलो में 50 ग्राम। आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको खाली दाल के वड़े बनाना है तो आप से स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको खाली दाल के वड़े बनाना है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, और कम से कम पानी डालिए इसमें। पानी ज़्यादा रखेंगे तो वड़े कभी भी शेप लेंगे नहीं लेंगे। जितना ये घट हो रहा है उतना अच्छा रहता आपका वड़ा। तो चलते हैं ग्राइंड करेंगे। ये है आधा किलो मश की दाल, इसमें मैंने 50 ग्राम चावल डाल के भिगो के रखा था, मैंने अलग भिगा के रखा था, जो अभी मैं इसमें मिक्स कर ली हूँ। और इसे हम बारीक, यानी ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, मध्यम में इसे हम मीडियम से और थोड़ा बारीक पीस लेंगे। और इसमें पानी नहीं डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके इसे हम पीसेंगे। जितना हो सके आप इसमें पानी कम डालिए और ये घट रहने दीजिए। जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे। मैंने रात भर भिगो के रखा था ये दाल, ताकि सुबह मेरे बच्चों के लिए नाश्ता जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। देखिए अभी मैंने ये जार में डाल लिया है, हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसे पीस लेंगे। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं, मैं ग्राइंड करके आपको बताऊंगी। दाल भिगाने का फ़ायदा ये है, और आप चावल इसमें डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। तो देखिए ऐसा थिक पीसना है हमें, जिससे शेप आसानी से आ जाए। अगर हम पतला करेंगे तो शेप नहीं आएगा। अब इसमें हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1 पिंच सोडा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो रहता है वो डालेंगे। और ये है हरी मिर्च, एक हरी मिर्च है मैंने चॉप कर लिया है इसे, तो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। देखिए इतना थिक होना चाहिए, जिससे हमारा वड़ा शेप भी अच्छा ले ले। और सोडा डालने से ये फायदा है, खाने का सोडा ये फूले फूले अच्छे हो जाते हैं। हमने ये अभी हम जब तक चटनी की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये तो रेडी हो गया। तो मैंने बर्तन चूल्हे पे रख लिया है, मैंने स्टोव ऑन कर दिया है, और अभी इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। थोड़ा हीट होने के बाद देखिए
थोड़ा हीट होने के बाद हम इसमें एक कटा हुआ खोपरा है, सूखा खोपरा ड्राई, और ये है चने की दाल। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे। आप भून भी सकते हैं या तल भी सकते हैं। तो देखिए ये भुने जाना शुरू हो गया है। हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तो कच्ची स्मेल चले आए मसालों में। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह मेरे स्टाइल में, तो बहुत टेस्टी बनेंगी और वड़े भी बहुत अच्छे बनेंगे। वड़ों में नमक मीडियम रखिए आप, क्योंकि चटनी में भी नमक होता है। अब इसमें हम हरी मिर्ची 2 से 4, आपको जितना फीका लगा उतना, और 2 से 4 लहसुन की कलियाँ, और थोड़ा सा हरा धनिया, और 5 से 6 पत्ते करी पत्ता। ये करिया पाक होता है, तो सब मिक्स करके हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से चटनी को ग्राइंड कर लिया है। अभी हम इसमें दूसरे बर्तन में निकालेंगे और बगाड़ देंगे। ये चटनी इस तरह से हो गई है, अब हम इसे बगाड़ देंगे। मैंने 1/2 टीस्पून राई ली हूँ, जीरा ली हूँ 1/2 टीस्पून, और 2 लाल मिर्च है सूखे, उसको मैंने 1/2 कर लिया है, और 4 से 5 करी पत्ते, उसको मैंने तोड़ लिया है। तड़का लगाना है, तड़का लगा देंगे। हमारी चटनी तैयार हो गई है, अब हम वड़े बनाना शुरू कर देंगे। कितनी अच्छी चटनी बनकर तैयार हो गई, आप खाकर इंशाल्लाह। थोड़ा पानी लेना है ताकि हम हमारे हाथ को गीला करते जाएं और शेप बनाते जाएं। ये देखिए तो हमारा तेल अभी गर्म होना शुरू हो गया। तो देखिए मैं अभी आपको वड़े डालना बता दूंगी। तो मैंने हाथ को गीला कर लिया है, और अब हम इस तरह से और थोड़ा सा पानी लेके हम अंगूठे में इस तरह से छेद करेंगे। ये देखिए हमारे वड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। एक एक बारी में हम 4-4 बना सकते हैं अपने हाथों से। कोई मशीन की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 बार गलत जाएंगे, उसके बाद में फिर आपको खुद ब खुद आ जाएगा। बस हिम्मत रखना है। अरे हम गोल ले आ रहा गलत, जाने दो, कोई बात नहीं, अपन राउंड शेप भी बना सकते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये होल वाले ही बनाना है, आप गुलगुला टाइप में भी बना सकते हैं, लड्डू टाइप में भी बना सकते, बॉल शेप में भी बना सकते। इसी तरह हम एक एक बैच करके हम पूरा बना लेंगे नाश्ता। अच्छे से जरा ब्राउन करना है। तो देखिए ये 3rd बैच है। इसी तरह से हम ट्राई कर सकते हैं, तो आप छन्नी में भी डाल के कर सकते हैं। अगर आपको शेप समझ में नहीं आ रहा तो
और छन्नी में भी थोड़ा सा पानी लगाइए और आटा लगाइए, उसके भी बनाइए आप कब बिरयानी एकदम चाहता है तब भी उसको भी आप डाल के बना सकते हैं आप कब के अंदर। और मैं कुछ बना कर रखी हूँ वो भी आप देख लीजिए। मैंने कुछ बना कर रखी गर्म गर्मा गर्म नाश्ता रखा है मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटियों के लिए स्कूल जाना है कर लिया है आज का नाश्ता। हमारी प्लेट तैयार है नाश्ते के लिए। ये है गन पाउडर और ये है आप लोग चटनी सीखे सो और ये है, आप घबराने की बात नहीं है, अगर आपको शेप नहीं आ रहा तो आप आटा वेस्ट मत कीजिए, आप बॉल शेप दे सकती है, आप कौन सा भी दे सकती है आप शेप। तो देखिए कितने होल वाले, और मेरे जैसा अगर आप स्टाइल में बनाएंगे तो इस तरह से बनेंगे। और मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कितने अच्छे क्रिस्पी चावल डालने से कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे पक गए हैं अंदर, कोई कच्चा पन नहीं है। इंशाल्लाह आप देखिए खाकर भी क्रिस्पी है एकदम। तो देखिए कितना अच्छा नाश्ता आज का हमारा तैयार हो गया है सुबह सुबह। तो लाइक कीजिए इसी बात पे, आप हम लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, सब शेयर कीजिए प्लीज़, मेरी रेसिपी को आगे बढ़ाइए और आप भी फॉलो कीजिए। अच्छी लगी तो मुझे अच्छे गुड कमेंट्स कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।